ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 77 बदमाश गिरफ्तार, हथियार, ड्रग्स, अवैध शराब और भारी मात्रा में नकदी बरामद। बाहरी जिला पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और अवैध शराब के साथ चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान पुलिस की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आउटर जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि जिले में संगठित अपराध को रोकने के लिए जिले के सभी थाना पुलिस को निर्देश दिए गए थे। पिछले एक हफ्ते के दौरान जिले के विभिन्न थाना पुलिस ने 77 लोगों को गिरफ्तार किया है जो संगठित अपराध किया करते थे। इसमें रानीबाग थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आर्म्स एक्ट का और एक जुआ अधिनियम का मामला शामिल है। इसी तरह थाना मंगोलपुरी पुलिस ने भी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 आबकारी अधिनियम के और 4 जुआ अधिनियम के मामले शामिल है। थाना राजा पार्क ने भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जुआ एवं आबकारी अधिनियम के मामले शामिल है। थाना सुल्तानपुरी पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के मामले शामिल है। थाना मुंडका के स्टाफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आबकारी अधिनियम के 5 और आर्म्स एक्ट का 1 मामला है। नांगलोई पुलिस ने भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें आबकारी अधिनियम के 4 मामले शामिल है। थाना रनहोला पुलिस ने भी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत 7 और जुआ अधिनियम के तहत 1 मामला शामिल है। इसी क्रम में निहाल बिहार थाना पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज है। थाना पश्चिम बिहार वेस्ट ने भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इसमें आबकारी अधिनियम के 5 मामले और थाना पश्चिम बिहार ईस्ट ने भी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आबकारी अधिनियम के 5 मामले और जुआ अधिनियम का 1 मामला शामिल है। पुलिस ने इन 77 बदमाशों के कब्जे से 4 चाकू, 5823 क्वार्टर अवैध शराब, लगभग 50,000 की नकदी, 2 देसी कट्टे, 3 कारतूस, 902 ग्राम कोकीन, 1 ऑटो, 1 स्कूटी और 1 रिक्शा बरामद किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।